बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले बस 2 मिनट निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। ये बच्चा आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जानते हैं ये तो एक बच्चा है, क्या कीजिएगा, लेकिन बिहार को जब भी नीचा दिखाना हो या उसे जलील करना हो तो कोई भी पीछे नहीं हटते हैं। और जहां तक के बिहार के लोग भी, अब बताइए, बिहार के स्कूल के टीचर का इंटरव्यू लेकर उनको जलील करते हैं और देखिए इनसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा इन सड़क छाप रिपोर्टरों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप इतने पढ़ाकू थे तो आप IAS-22 क्यों नहीं बन गए? आप क्यों एक कैमरा और एक माइक लेकर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं? जहां तहां जाकर स्कूल का इंटरव्यू, वहां का लेटरिन कैसा है, वहां का बाथरूम कैसा है और वहां सफाई हुई है कि नहीं हुई है? अब बताइए, जब आपको इतना ही तैयार है तो वहां का साफ कर दीजिए, वहां का लेटरिन बनवा दीजिए आप। ये तो आपसे होगा नहीं, आपकी उतनी औकात भी नहीं है, लेकिन बस आपको जलील करने की ही औकात है, समझे कि नहीं? अगर आप लोग सच्चे रिपोर्टर हैं तो पूरे देश के टीचर को टारगेट कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ बिहार के टीचर को ही। क्यों? बिहार के टीचर अनपढ़ होते हैं, बाकी सभी जो राज्य के टीचर हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं क्या? हैं, आप लोग बस एक ही है कि आप लोग हम लोग का मजबूरी का फायदा उठाते हैं, बिहारी लोग आपके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं और यही लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जिस दिन हम लोग बिहारी लोग आपको सपोर्ट करना छोड़ दें, उस दिन आप लोग रोड पर आ जाइएगा, ये गारंटी है मेरी। अगर वीडियो अच्छा लगे बेस्ट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग।